पूनम का मिशन है देश के लोगों का, या इसको आप अपनी पार्टी मान लें या अपने देश के लोगों का इतिहास मान लें। और आप लोगों ने बहुजन समाज में जो जाने जाते हो उसी में सभी लोगों ने जन्म लिया है, इसीलिए आपकी बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, तो यही एक मिशन है। जब जब पीएसपी जब सत्ता में आई तो सभी जाति सभी धर्मों के महान पुरुषों को, चाहे किसी भी समाज में जन्मे हो, तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है, इतिहास जैसा रचने का काम किया है। साथियों, बस कमी यहीं पर है कि आप प्रेरणा स्थल में जाकर के प्रेरणा लेना नहीं जानते। दुनिया के तीर्थ धाम में तो जाते हो जिससे आप लोगों का, भारतीय लोगों का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, और जहां तक आपका नाता है आपके लिए आपके देश में ही आपके महान पुरुषों की यादगार के लिए, देश को समझने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए जो बहन जी ने जो बनाया है उसमें नहीं जाता जाते हो, यही एक खेद है। तो साथियों, आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है, देश बड़ा परिस्थिति से गुजर रहा है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ है वो भारतीय है, और भारतीय समाज का अगर असली सच्चे मन से अगर नेतृत्व करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है, जो भारतीय समाज लिखा हुआ है। और साथियों, आपको जो व्यवस्था संविधान में दी हुई है वो इसीलिए नहीं मिल पा रही कि आप लोगों की गलती से, आप लोगों की भूल से उस संविधान पर चुन करके उस किसी गैरों को बैठा देते हो। इसीलिए उस संविधान में जो आपको देने की व्यवस्था है इसीलिए उनका फल नहीं मिल पा रहा है। साथियों, यही एक भूलों का कारण है। और जब जब तुम अपना ये रास्ते से भटक जाते हो तब तब ये देश के लोगों पर जुल्म होता है। तो साथियों, आप लोगों का अपना इतिहास अभी मालूम नहीं है, और आप ऐसा भी नहीं करते कि जाके यहाँ पर बीएसपी के जो मंच लगते हैं वहाँ बड़े बड़े किताबें बिकती हैं, अगर 50-50 रुपया खर्च करके अगर उन किताबों को पढ़ो तो हमें ज्यादा किल्लाने की जरूरत पड़ेगी और अपने इतिहास को समझ आओगे, सच्चाई की पहचान हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप जिन पार्टियों को वोट देते हो उन पार्टियों को वोट देते हो जिन पार्टी के लोगों ने आज से कई हजार साल से और अब तक जो हमेशा से भारतीय समाज को दबा के रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया, आज उन्हीं लोगों को अपना कीमती वोट दे करके और सत्ता में पहुंचाने का काम करते हो, और वो लोग तुम्हारे साथ सोचे व्यवहार करते हैं। साथियों, क्यों कि आप इतनी गलती बार बार इसीलिए कर रहे हो कि आपको इस देश का पता नहीं है, न समाज का पता है, न अपने इतिहास का पता है। इसीलिए जितना आपको अपना इतिहास पता लग जाएगा उसी दिन अपना सही चलना चालू हो जाओगे। लेकिन भूल मत करना, आपको सब काल की किस्म है, आप बहुजन समाज में जन्मे हो, अपनी बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, यही मेरी आपसे अपील है। साथियों, हमारे महान पुरुषों ने भी कहा कि राज जहाँ हो जैसा कि जहाँ समन को मिले अन्न, छोटा बड़ा सब सन बस है रहे बहुजन प्रसन्न। साथियों, और ये भी कहा था कि हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, बिना चाम का कौन पुरुष है, दिखत पूरे संसारा। साथियों, और ये भी कहा कि रैदास जन्म के कारण है वो तन कोई नीच, नर को नीच करदार है, ओछे कर्म की कीच। तो साथियों, हमारे महान पुरुषों ने जगाने का काम बहुत किया, लेकिन आप 6743 जाति में जाने जाते हो जो पुराने समय में युद्धों के बाद, और आपको महान पुरुषों को राजाओं को मार दिया, मारने के बाद और देश में कब्जा कर लिया और सत्ता पे जो कामयाब आज भी वो लोग हैं, इसीलिए तुम्हारे महान पुरुषों के इतिहास खत्म कर दिए। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने एक चंद समय में आने के बाद उन इतिहासों को दोबारा से रचने का काम किया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी ना समझें, आप देश का मिशन समझें। इस मिशन से जो भटक गया तो जो मान लो आपने अपने समाज की, अपने देश को सजा दे डाली। इसीलिए साथियों, क्या किसी भी जाति किसी धर्म में जन्मा हो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेगा। बहुजन समाज पार्टी भारतीय असली भारतीय लोगों के लिए चटपटा रही है। साथियों, अब ऐसा मौका है,
इस मौका को बिल्कुल मंजान देना और किताब जरूर लाओ लाइब्रेरियों से, और जहाँ पे मिशन चलते हैं वहां से किताब लाइए पढ़िए। और एक आपसे मेरी अपील ये है कि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, आप अपने फोन जो चले गए हैं, ऐसी देश में व्यवस्था चली गई है कि अपने रिश्तेदारों को भी फोन करेंगे, अपने भाई बंधुओं को फोन करेंगे, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल की बात करेंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आपने मतलब सही जगह वोट डाला और सही जगह पर जाके फैसला किया। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा और मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, मिशन की ओर नहीं चल रहा, मैं अभी इतिहास बता दूंगा, एक घंटा लगेगा और पात पात और ढक ढक हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी आपकी आपका मिशन है और आपका इतिहास जो अभी बाकी है इसको इतिहास को आगे बढ़ाना है तो बीएसपी को ही डालना होगा। 6743 जातियां जितनी भी हैं उनको डालना होगा। और ये भी कह देना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी जो कोई वर्ग नहीं है, ये एक माइनॉरिटी है, अगर वर्ग तो चौथा वर्ग है जो असली देश का स्वामी है, जो 6743 जातियों में जाना जाता है, ठीक है। और इनके वेद शास्त्रों में इन लोगों के लिए यह लिखा कि अहिर गणारम और सूत्र का हरम, अहिर गणारम सूत्र का हरम बिना गुना पंच बना। और यह भी इनके इतिहास में यह लिखा है कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य न सूत्र ज्ञान प्रवीणा। अगर कितना विप्र माने ब्राह्मण, इनके ऐसे ऐसे इतिहासों में लिखे हैं और उनकी तुम सरकार बनाते हो, क्या तुम्हारा देशवासियों का होंगे, क्या आपका भला करेंगे? क्या अहिर गणारम सूत्र का हरम बिना गुना पंचपना, ऐसे ऐसे लिख रहा हो। और यह भी लिखा हो कि जिनकी धन नहीं धरती नहीं, इसे नदी जो संग और ताही के कारण है इनको करना तंग। तो साथियों तुमको चंद लोग जो तंग करके रख रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे, आपको नहीं लड़ाएंगे तो उनकी सत्ता कैसे आएगी? तो इसीलिए देश में शांति नहीं है और मारा मार मची पड़ेगी। तो साथियों बीएसपी आती है तो किसी जाति या किसी धर्म पर या किसी समाज पर क्यों नहीं अटैक होता, किसी का बच्चा क्यों नहीं देश में मारा जाता, ये आपने समझा होगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर बीजेपी ने आज तक, कांग्रेस ने आज तक कब्जा किया। अगर देश के लोगों का ये भला करते तो बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से मानो और कांशीराम साहब के योजना के तहत गरीबों को प्लॉट फ्री आवंटित किए, आज तुम्हारी होती तो इस देश के लोगों के लिए गरीबों की स्थिति को देख करके आज उनको अपने क्षेत्र में जैसे से कब्जा 70 साल से रहा तो आज हरेक क्वार्टर बना के गरीबों को दे देती, ये आपने समझाए बीएसपी ने क्यों दिया। तो इसीलिए साथी करने के लिए बहुत बाकी है लेकिन आपको बीएसपी को ही बढ़ाना है और गलती नहीं करनी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जय भीम जय भारत नव मुदाय जय मूल्यवाद।